अस्सलाम वालेकुम। आज संडे नाइट ये मछली खाने का प्रोग्राम है और ये मैं कराची फिश कॉर्नर का मंडी जिसको कहते हैं जीटी रोड भगवानपुरा, यहाँ स्पेशल आए हैं हम। आपको इनकी ग्रिल्ड इनकी फ्राइड सारा आपको सेटअप में चेक करवाता हूँ। ये चेक करें इनका, ये ग्रिल सारी लगी हुई है। ये चेक करें जी, ये ग्रिल लगी हुई है सेम सारा। आपको फ्राइड एरिया की तरफ लेके जाते हैं। चेक करें इनका सेटअप, आप चेक करें फ्राइड का। जबरदस्त किस्म के बड़े बड़े पतीले हैं जिसमें ये मछली फ्राइड हो रही है। ये इनका डेढ़ किलो करवा लिया अपने लिए। ये चेक करें पहाड़ बनाया हुआ इन्होंने, एक मसाला इनका देखे क्या जबरदस्त किस्म का मसाला। हाँ इनका सेटअप चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है इनका। आप ये रश देख सकते हैं इनके पास, ये लाइन में जो जिन्होंने पैक करवानी है वो लोग खड़े हुए हैं। ये सारी इनकी देखें इस साइड पे, ये सारी सीटिंग है, ये देखें सारा आगे तक की सीटिंग है। ये पीछे बाइक के गाड़ियाँ हैं, ये ब्रिज ब्रिज के नीचे ही जीटी रोड पे ये बैठे हुए हैं। बड़ा काफ़ी पुराना सेटअप है इनका। जबरदस्त जो फ्राई करने वाले मास्टर शेफ जिशान भाई। जिशान भाई कुछ बताएं अपने मछली के बारे में, क्यों इतना रश है, क्यों इतना लोग लाइनें लगाई हुई आपने? एक मेयार की बात है, ये अपने मेयार पे बरकरार है, सूखी आयल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नंबर रोहू है, अच्छा देसी रोहू है, इस वजह से जो है ना ये मेयार पे कामयाब है। नहीं ये फ्राई करने में भी बड़ा फर्क होता है, जो कच्ची ना अंदर से रह जाए मसाले वो, इसका भी तो फर्क होता है। नहीं इतना तजर्बा हो गया, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको? अच्छा क्या बात है, रौनक लगी हुई है, इतना कस्टमर आ रहे हैं। एक बार तो आप ट्राई करके देखें हमारे कहने पे। नहीं ट्राई करते रहते हैं, आज वीडियो कर रहे हैं, ट्राई करते हैं। और भाई देखने वालों को भी जो है ना वो भी एक मरतबा ट्राई करके देखें। ये जी दिसंबर की शाम है, दिसंबर की रात है, दिसंबर की रात में मछली, क्या बात है जी। ये देखिए चेक करें, यहाँ से मछली अभी आती जा रही है, ये रेडी हो गई। ये फिर आगे ये चेक करें, कांटा चेक करें किस ये किस साइड बड़ा बड़ा है। कराची फिश कॉर्नर है जी, जीटी रोड भगवानपुरा का मंडी। मैं आपको इनके ऑनर से बात करवाता हूँ। मुदस्सर भाई क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सर भाई बड़ा माशाल्लाह रौनक लगाई हुई आपने, हर तरफ रश लगाया हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट सबसे बात बड़ी है कि टेस्ट होना चाहिए, रश खुद खुद लग जाता है इसकी वजह। और आपको पता है हमारे जो मछली है ये 2.5 किलो वाला पीस है। आपने पहाड़ बनाया हुआ यार मछली लगती है ऐसे हमारे पास, ठीक है ना? पहाड़ बनाते हो आप? पहाड़ नहीं बनाते, इससे भी ज्यादा लगी होती है। मैं वही कह रहा हूँ, तो पहाड़ बना हुआ है आपका ये 3000 रुपए भाई, 3000 रुपए की हो गई ये। बस ऐसे ही है मछली, बिकी ज्यादा रही है, मौसम आ गया मछली का, दिसंबर आ गया। हाँ दिसंबर आ गया। और कराची फिश का अंदर भगवानपुरा घास मंडी, मैं अपने नाम का
मंडी, घास मंडी नहीं, का मंडी, का मंडी जी, का मंडी की पहचान है, का मंडी की पहचान है। कराची फिश कॉर्नर वाले हैं, ठीक है। और जिस दोस्त ने अभी तक कराची फिश कॉर्नर से मछली नहीं खाई वो एक बार जरूर ट्राई करे और उनको मजा। अच्छा, रेट बता दें। मछली का रेट हमारा जो कलर हुआ है उसका 1380 रुपए रेट है, ठीक है। बड़ा दाना है, फ्राइड और ग्रिल का डिफरेंट है 1480 और फ्राई का 1380। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये मुझे ये जो आपका मसाला है स्पेशल, इसमें क्या खास बात है जो मसाला जो इतना टेस्ट निकलता है? ये मसाले की स्पेशल बात होती है, मछली तो हर जगह पे बिक रही है, आपको मछली हर जगह पे, ठीक है। किसी ने 800-900 भी रेट लगाए हुए हैं, ठीक है ना। टेस्ट की वजह यही है कि मसाला अच्छा होना चाहिए आपकी मछली। मसाले में क्या ऐसी चीज है, कौन सा सीक्रेट मसाला यूज कर रहे हो? सीक्रेट मसाला आता है वो हम आपके इंटरव्यू में वैसे भी बता नहीं सकते। लोग तो पूछते हैं भाई मसाला इनका कोई स्पेशल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला स्पेशल है, तो देखिए क्राउड कितना लगा हुआ है, रश लगा हुआ है। ये बात करो उस्मान भाई जी। जी जी जी, हमने ऑर्डर किया, अब खाते हैं, बाकी हमने पैक भी करानी है, तो फिर आपको चेक और खाने के बाद फिर आप अपने इंटरव्यू में बताना क्या टेस्ट। हाँ जी, वो तो लाजमी बात है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद शहजाद, रौनक लाती हूँ, रश पाता है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह काम ही इस तरह का रश पैन वाला जी। पूरी ग्रिल्ला फुल करती है, भर के सारियां है, देखो माशाल्लाह क्या बड़ी लकी को लगी है। वही मैं कह रहा ग्रिल्ला फुल पीछे। सर तुसी अगर खाती नहीं होएगी मेरे ख्याल, जेड़ा तुसी इस तरह का रखोगे तो मजा आएगा, फिर तुसी कहना इसको डबल रश होना चाहिए। नहीं नहीं, रश दे तड़को पहले ही पड़या पे हर पासे तड़क। हां जी, रश दे तड़को पहले ही बहुत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रब दी रहम तन भाई। क्या बात है जी, क्या बात है। ये चेक करें जी, ऑर्डर देखिए, ये वेट पे बैठ गए दोनों। ये जी हमारे भाड़ी भाई, ये मियाँ साहब, आज मियाँ साहब के घर हमारी दावत थी, तो मियाँ साहब यहाँ में ले आए हैं। ये जाएँ जी, आपको मछली खिलाते हैं। अब मछली का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया, वेट कर रहे हैं, आती है फिर आपको खाने का रिव्यू देते हैं। ये जी हमारे मछली तैयार होके आ चुकी है। अभी मछली खाएंगे तो आपको बताएंगे सारा, उसको टेस्ट मारते हैं। मछली की क्वालिटी है जी, मैंने पहले भी कोई खाई हुई है, लेकिन आज मियाँ साहब फिर दोबारा ले आए हैं, तो क्या बात है मियाँ साहब आपकी जी। अभी तक इस सीज़न की बेस्ट फिश अभी तक खाई है, पूरे लाहौर की अभी तक बेस्ट फिश है ये इस सीज़न की 2023 की। आप जितने लाहौर के बड़े ब्रांड देख लो, इससे ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा, जितने भी अभी आपने ब्रांड देख लो आप।